नमस्कार एंड वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस घटना चक्र बुक के बारे में। ये होगा इसका पार्ट 7। हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, एंशियंट हिस्ट्री। ये इसका होगा पार्ट 7। और इससे प्रीवियस जो भी पार्ट आपको देखने हैं, जैसे कि हमने काफी सारे सेक्शन के पार्ट वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है घटना चक्र बुक, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको तमाम इस बुक से संबंधित जो भी वीडियो हैं वो सब आप देख सकते हैं और उन सब का आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए, इस बुक की खास बात ये है कि इसमें केवल वही क्वेश्चंस दिए गए हैं, वही क्वेश्चंस केवल प्रिंट हैं जो SSC के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस सभी वीडियो को जो भी आप देखते हैं प्लेलिस्ट में, अगर आप जाते हैं वहां पे, अगर आप वॉच करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो उनको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही आप अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, तो फिर उसको देखने का कोई अर्थ नहीं है। तो आप अपने समय को बचाइए, या तो इस वीडियो को अभी क्लोज कर दीजिए। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो इस साल 2017 में, आपका कोई भी पोस्ट आपको गेन करनी है, अचीव करनी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको उठाना पड़ेगा पेन पेपर। बिना पेन पेपर उठाए आप सोचते हैं कि सिंपल बस थोड़ा सा निहार लिया इस वीडियो को, क्वेश्चन देख लिए, क्लोज कर दिया, दोबारा वॉच नहीं करा, रिविजन नहीं करा, बस पढ़ लिया हमने। तो काफी सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि सच में बच्चों बहुत दुख होता है जब एक दो नंबर से हम लोग फेल हो जाते हैं। मेरे पास काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर मैं कट ऑफ से 2 नंबर नीचे मैं रह गया, मैं कट ऑफ पार नहीं कर पाया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का 1-2 नंबर की जो गुंजाइश है वो भी फिलहाल, मैं चाहता हूं कि पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आपको कट ऑफ पार नहीं करनी है, आपको कट ऑफ भी अच्छी तरह से पार करनी है। अगर 140 का कट ऑफ गया तो आपके आ रहे हैं 130, तो ये कोई लॉजिक बनता नहीं है। आपको कम से कम 150 आने चाहिए, उसके बाद Tier 2 की तैयारी करनी है। देखिए, ये सब बातें मैं करते रहूंगा बाद में कभी, ठीक है। फिलहाल मैं बात करता हूँ इस वीडियो के बारे में, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में आपको दिखाई देगा ये बेल आइकन, इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है इसका, इसकी कंडीशन ये होती है, अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते, मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं तो। अगर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके आपको लगता है कि मैंने सब्सक्राइब करा है या डेली मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो आप एक काम करिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। बाकी देखिए, YouTube का जो सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग वगैरह होती है वो सबको एक साथ सारे नोटिफिकेशन नहीं भेजता, कभी कभी ऐसी गलती भी वहां से हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश ना छोड़ें। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल हम इस वीडियो की ओर। पार्ट 6, बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग। देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया, शक संवत जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत किसने करी थी, उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम है कनिष्क। एक्चुअली ये कनिष्क था कौन, ये कनिष्क था अशोक का पुत्र, याद रखिएगा अशोक के पुत्र का नाम क्या था, कनिष्क। अब बात करें थोड़ी सी अशोक के बारे में, आपको बताना चाहूंगा कि अशोक कौन था। अशोक से हमें याद आता है शाहरुख खान, अशोक का मूवी, या फिर कलिंग युद्ध, ये सब चीज आपके माइंड में आ जाती है। देखिए, कलिंग का वॉर हुआ था, किसने किसको हराया था, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पिछले अपनी लुसेंट बुक में डिस्कस कर चुके हैं। तो लुसेंट वीडियो चाहे तो देखिए, अगर पढ़ रखी है बुक तो वीडियो मत देखना वाले, ठीक है। अगर अपने बुक अच्छे से पढ़ रखी है तो टाइम खर्च मत करो ज्यादा अपना, क्योंकि टाइम इज मनी, ठीक है। अगर नहीं करी है, अपने बुक नहीं पढ़ी है, तो लुसेंट का वीडियो ऑडियो दोनों आप देख सकते हैं। देखिए, इस फिलहाल हमको इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है, कनिष्क ने क्या करा था, शक संवत की शुरुआत करी थी, प्रारंभ करा था। अब हम बात करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए, मिलिंद पानहो क्या है, ये एक्चुअली बोध का एक पार्ट होता है, और बोध पाठ या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रंथ, ठीक है। आपको एग्जाम में वो ग्रंथ भी दे सकता है, ठीक है, बोध ग्रंथ ये बोलेगा, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पाठ बोले, ग्रंथ बोले, पुस्तक बोले, कुछ भी बोले, तो आपको याद रखना है कि मिलिंद पानहो का जो संबंध है वो है बोध से, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा।
अब जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है कि इंडो ग्रीक जो शासक था मिनेडर, इसको मिनेंडर भी बोलते हैं, इसमें न भी लगता है, दो बार न लगता है, तो कभी कभी वो थोड़ा टाइपिंग में भी गलती कर सकते हैं। देखिए, मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु जो नागसेन के बीच में एक संवाद हुआ था, दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप हुई थी, उस वार्तालाप को इस ग्रंथ में प्रेजेंट करा गया, बताया गया कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। आगे हम बात करते हैं, देखिए भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करा था? देखिए सिल्क मार्ग प्रारंभ करा था कनिष्क ने, ठीक है, आप याद रखिए कनिष्क ने सिल्क मार्ग, इसको नोट कर लीजिए आप। बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे, ठीक है। देखिए समकालीन से संबंधित आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन से पूछता है, ठीक है, और यहाँ पे जो उसके समकालीन थे ये सभी नाम आप याद रखिए, नागार्जुन, अश्वघोष एवं विश्वामित्र। कौन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष एवं विश्वामित्र, तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने हैं, लिखने हैं। और देखिए इसमें मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कुछ चतुर्थ बोध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी विश्वामित्र ने। और ये किसके काल में हुआ था चौथा बोध संगीति की जो अध्यक्षता हुई थी, चतुर्थ बोध संगीति किसके काल में हुई थी, कौन से शासक ने करवाई थी एग्जाम में ये भी पूछता है, तो ये कराई थी कनिष्क ने। और इससे पहले जो थी तीसरी बोध संगीति, ये भी आप याद रखिए, वो इसमें शायद कवर अभी करेगा या फिर नहीं करेगा पता नहीं, मुझको जो चीज याद आ रही है मैं बताऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट होगा। तीसरी करी थी इसके पिता ने, कनिष्क के पिता कौन थे? अशोक। अशोक ने तीसरी करी थी, उसके पुत्र ने चौथी करी थी, कनिष्क ने करी थी चौथी बोध संगीति। तो तीसरी और चौथी दोनों ही आप लिख लीजिएगा। अभी बढ़ते हैं फिलहाल 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर की। भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ये करा था यूनानियों ने। और किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? देखिए अशोक का पुत्र द्वितीय अशोक, जैसे एक पुत्र होता है हम कहते हैं ना बिल्कुल अपने पापा पे गया है, देखिए बिल्कुल सकल बिल्कुल पापा पे गई है, इसकी आवाज बिल्कुल पापा पे गई है। तो कनिष्क के फादर कौन थे? अशोक थे। तो द्वितीय अशोक किसको बोलेंगे? द्वितीय अशोक बोलते थे उसके पुत्र को, दूसरा बेटा है बिल्कुल सेम अपने फादर की कॉपी है, तो मतलब कनिष्क को ही बोलेंगे, कॉमन सी बात है, ठीक है, जिसको पता है कि हाँ ये इसका पुत्र था तो ये कनिष्क ही अपना आंसर आगे आएगा। तो आपको इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको पता है कि अशोक का पुत्र कनिष्क था तो। अब देखिए चरक जो था किसके राज चिकित्सक था? ये मतलब एक डॉक्टर था, ये था चरक, ठीक है ना। और ये किसके समकालीन था, किसका चिकित्सक था? ये था कनिष्क का। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, तो ये कहा जाता है चरक को। चरक को चिकित्सा का जनक कहते हैं। और गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गांधार जो कला विकसित हुई थी ये हुई थी कुषाण काल में। कौन से काल में स्टार्ट हुई थी? कुषाण काल में। देखिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि विषय वस्तु भारतीय थी, जो इसकी कला का जो मेन मोटो था वो था भारतीय, इंडियन था, परंतु कला का जो था वो यूनानी और रोमन थी, ठीक है। आप बस केवल चाहिए तो यहाँ पे इस चीज को नोट मत करिए, केवल याद रखिए कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी, ये हुई थी कुषाण काल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है गांधार कला। अब बात करते हैं हम लोग की यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहां स्थान प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ गांधार में। रोमन कला को जो था, यूनानी रोमन कला का जो स्थान प्राप्त करा ये करा गांधार में। गांधार में इस कला का बहुत विकास हुआ, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था और ये काफी सीजल में भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए मैं हर बार आपको फोर्स करता हूँ, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कई बार मैं आपको बोलता हूँ। अब आप पता नहीं आप कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं ऐसा, अगर नहीं कर रहे तो रियल में आप टाइम की बहुत बड़ी तौहीन कर रहे हैं, अपने कैरियर की प्रति बहुत बड़ी उसकी तौहीन कर रहे हैं और अपने गोल के प्रति आप ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं रियल में, मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है, और लेकिन इसके बाद भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इस वीडियो को एक बार और वॉच करना पड़ेगा। एक बार और वॉच करने के बाद में आप देखना बच्चों, सच में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। भाई कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है बताइए मुझे साफ साफ, जब पढ़ोगे तभी तो बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंस, जब पढ़ोगे नहीं, पेन पेपर उठाओगे नहीं, कुछ देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, किसी की बात ढंग से समझोगे नहीं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप अगर होगा भी तो वो होगा थोता चने बाजे घने वाला हिसाब।
एक मुहावरा है ना, थोता चना बाजे घना वाला हिसाब। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस होगा, वो जेन्युइन कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर जेन्युइन कॉन्फिडेंस होगा तो वो आएगा पढ़ाई से, और उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनैलिटी में झलकेगा, सामने आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर अरुण था, मतलब बैठा था। ये बैठा था 78 में, और इसी से शक संवत का प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी में वो बैठा था, राज्याभिषेक हुआ था इसका, और उसी के बाद से क्या हुआ, हुआ कि शक संवत का प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं कि शक संवत किसने और कब शुरू करा। देखिए बात कर रहे हैं हम लोग कनिष्क की, तो शुरुआत किसने करी हुई, कनिष्क ने। अब ऑप्शन में देखो कनिष्क कहाँ पर है, ठीक है, कनिष्क कहाँ पर है, कनिष्क आपका ये रहा, कनिष्क डी में है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में, डायरेक्ट इसको याद करिए आप। अगर इसको पता है ना किसी को कि शक संवत का संस्थापक कौन था, शुरुआत किसने करी थी, किसने प्रारंभ करा था, एग्जाम में वो इस तरह से पूछेगा आपसे, तो आप याद रखिएगा वो किसने करा था, कनिष्क ने। कब करा था, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब मैं बात करता हूँ कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो हुआ था कला का। और कनिष्क की राजधानी थी क्या थी, ये थी पुरुषपुर। क्या थी, पुरुषपुर। पाकिस्तान के पेशावर जिले को ही प्राचीन काल में पुरुषपुर नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के पेशावर जो जिला था उसको प्राचीन काल में क्या कहते थे, उसको बोलते थे पुरुषपुर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सही नहीं है, लेखक और कुछ पुस्तक दिए हैं, जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम में काफी सारे बच्चे जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो काफी चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्पीड में पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, बट यहाँ पे नहीं नहीं पढ़ते वो लोग। ठीक है, तो क्या नहीं पूछा है, क्या हाँ पूछा है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट होती है तो पहले उसको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अपना रिप्लाई करें कि वो पूछना क्या चाहता है। देखिए विशाखा दत्त जो थे लेखक थे, इनकी पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस, ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है ये चीज। और कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, ये भी सही है। और मैगसनीज की जो पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका, लेकिन नागार्जुन जो थे इन्होंने ध्रुव सामिनी नहीं लिखी थी, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये आपका राइट नहीं है। तो उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने कौन सी रचना करी थी, उनकी रचना का नाम है आपका प्रज्ञा पारमित्रा सूत्र की रचना करी थी इन्होंने। तो अब हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। देखिए मैच मेकिंग मतलब मैच करना है, मिलान करना है, कौन सा मिलान सही है, इस तरह का भी एक ना एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि एग्जाम हो चुका है ऑनलाइन। ठीक है, और इस बार इस टाइप की क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो 16 और 19 क्वेश्चन नंबर दोनों ही आप देख लीजिएगा, मैं 19 में बढ़ूंगा लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, थोड़ा वेट करिए। देखिए इसमें मिलान कह रहा है कि कौन सा मिलान सही है, आप डायरेक्ट याद करिए कि कविराज मार्ग किसने करा था स्टार्ट, ये करा था अमोघवर्ष ने। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, इस तरह से नोट्स लिख लीजिए, अपने नोट्स बना करके उसमें पेन डाउन करिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं पेन डाउन, या फिर आप डायरेक्ट इसको लिखिए। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप इसको वॉच करें। ठीक है, कविराज साहित्य, ये जो साहित्य के नाम है और इसके लेखक कौन कौन है, ये सब आप लिखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। कुषाण मूर्तियों का संग्रह जो था, ठीक है, अधिक मात्रा में था, किस संग्रहालय में आपको मिलेगा। अगर आपको कुषाण की मूर्तियां देखनी है तो आपको कौन सा संग्रहालय सर्च करना पड़ेगा नेट पर, कहाँ पे जाएंगे आप लोग, आप जाएंगे मथुरा संग्रहालय में। कहाँ जाएंगे, मथुरा संग्रहालय में। अब हम बात करते हैं आगे कि मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। देखिए मथुरा कला का जो इन्वेंट था, जो जन्म था, प्रारंभ था, वो करा था किसने, कनिष्क के समय में हुआ था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करा जाता था, लाल पत्थर होता था उसमें कुछ नकाशी करी जाती थी, और ये सब कार्य किसके काल में होता था, कनिष्क के समय में हुआ था। अब हम बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं, टोटल मिलाकर के 2, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त जो आपको महीना है वो है आपके रोम सम्राट, ठीक है, इनके नाम पर जुलाई से बना है जूलियस, अगस्त बना है अगस्टम के नाम पर। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपका सीपीओ में नहीं आया है, ये क्वेश्चन सीपीओ में तो आया ही आया है, साथ में ये आया है आपका एमटीएस में, एलडीसी और सीजीएल में कई बार पूछा गया है। तो आपको ये चीज टिप्स पे याद होनी चाहिए, शक संवत किसने प्रारंभ करा, कनिष्क कौन था, अशोक कौन था, और जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस बच्चों सच में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विक्रम संवत, ठीक है, देखिए शक संवत हमारा था 78 एडी, कनिष्क ने स्टार्ट करा था। ठीक है, बी को देखिए आप, केवल बी को, शक संवत ये हुआ था 78 में, बी का 4,
अब आप देखिए कि बी का फोर से किसका मिलान है, बी का फोर ये मिलान है केवल, बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसएससी डिपार्टमेंट आपका कोई दुश्मन नहीं है, वो ये नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो, वो ये चाहता है कि जो बच्चा मेहनती है, जिसके पास हल्का सा भी कॉमन सेंस है और जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। अब देखो जैसे कि अभी हमने इस वीडियो में देखा था कि सख्त संबद्ध की शुरुआत कनेक्शन करी थी 78 में, अब हमको पता है कि बी का जो राइट आंसर है वो है फोर। अब देखिए बी का राइट आंसर क्या आ गया, फोर, तो बी फोर कहीं और मैचिंग कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, बी, और बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये नहीं कि सबका एक एक करके मिलान करना है, ये तो आपको दिखा रखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन राइट आंसर इसका होगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बोध बन गया था। देखिए कुषाण नेता जो था वो था कनिष्क और ये बन गया था बोध। ठीक है, और देखिए ये बोध क्यों बना था, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसका फादर था कौन था, अशोक। तो अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा था उसके बाद में जो लहू लुहान भूमि पड़ी थी, तो कनिष्क उस युद्ध भूमि भूमि पर थोड़ा ट्रेवल कर रहा था, घूम रहा था, अपनी जो जीत थी उसका जश्न मनाने के लिए लोगों को लहू लुहान व्यक्ति को देख रहा था। अचानक से एक बोध भिक्षु उनके सामने आए जिसका नाम था उपगुप्त, याद रखिएगा उपगुप्त उस भिक्षु का नाम था। बोध भिक्षु कौन थे जिसके प्रवचन के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या करा, शस्त्र उठाना छोड़ दिया, युद्ध से उसने अपना मुंह मोड़ लिया। तो अब याद रखिएगा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद में, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। फादर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो कनिष्क ने भी क्या करा, बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर यहाँ पे कनिष्क और अशोक दोनों होता तब अब आंसर आके आते अशोक। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपनाया था अशोक ने, सबसे पहला कुषाण कौन था, वो था अशोक। तो वो ऐसा नहीं करेगा आपके एसएससी में कि आपको अशोक भी देगा और कनिष्क भी देगा, तो ऐसी कंडीशंस में वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, वो या तो अशोक देगा ऑप्शन में या फिर देगा कनिष्क। अब बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए इससे संबंधित एक फैक्ट मैं और बताना चाहूंगा कि आपको प्रारंभ में वो क्या था, सैफ था, परंतु बाद में वो क्या था, बोध बन गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, कि ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला किसने खोजी थी। सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, या फिर लैंग्वेज को थोड़ा चेंज इस तरह से कर देगा कि ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया, बात दोनों का अर्थ सेम ही है, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपसे कागज का आविष्कार किसने करा था, या फिर ये स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो दोनों का मतलब सेम ही है, तो इसका राइट आंसर होगा चीनी ने। ठीक है, चीन में, चाइना में, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पुरुषपुर का सिनोनिमस क्या है, सेम वर्ड। ठीक है, इस तरह से अब याद करेगा, पेशावर। और कुषाण शासक कनिष्क ने इस नगर की स्थापना करी थी, पेशावर की स्थापना किसने करी थी, ये करी थी कनिष्क ने। देखिए अगर मैं इतना अप डाउन कर रहा हूँ पेज को, और कुछ बच्चों को शायद तकलीफ हो रही होगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जूम ज्यादा कर रहा हूँ पेज को, ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल ही वीडियो को इस तरह से बना के चलूं कि आपको पूरा एक ही वीडियो में ये पेज रख लूं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि अब आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मैं वीडियो का फॉन्ट मेंटेन करने के लिए, कि जिससे कि आपको आसानी से पूरा वॉच हो सके, तो मैं इसलिए मैक्सिमम बड़े फॉन्ट में ही रिकॉर्डिंग करना पसंद करता हूँ। और थोड़ा बहुत तो देखो बच्चों मैनेज करना पड़ता है आपस में। ठीक है, अब मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊं आपको कुछ दिखाई ना दे, तो उसका फायदा कुछ नहीं है बनाने का वीडियो। तो इसलिए मैक्सिमम आपको जूम करके दिखाना जरूरी है, अप डाउन कर रहा हूं पेज को, तो वो मुझे करना पड़ेगा, तभी मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ पाऊंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला और गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। यह है भारत ग्रीक यूनान शैली का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी। ये पनपी थी कनिष्क के शासन काल में। भारत और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने की कला शैली का क्या नाम है। इसका शैली का नाम है गांधार कला। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। यह है शक काल पर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 78 ईस्वी में माना जाता है। और शुरुआत किसने करी थी, ये तो मैं आपको अब बिल्कुल बताऊंगा ही नहीं, ये तो आपके जहन में, आपके माइंड में बिल्कुल दर्ज हो जाना चाहिए, इसकी एंट्री हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जानी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कि कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे। ये थे नागार्जुन और अश्वघोष। 28 कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, इनका नाम था मौर्य के अधीन।
सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गौतमी पुत्र सत्कर्णी। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी, ये आप याद रखिएगा, सातवाहन वंश की स्थापना करी थी सिमुक ने। किसने करी थी? सिमुक ने। और प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था, ये था आपका खारवेल। खारवेल के साथ एक्चुअली कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, अशोक और कलिंग का जो वार हुआ था, अशोक ने इसको हराया था, वो हराया था खारवेल को। और कलिंग कहाँ पर है? कलिंग है उड़ीसा में। जानकारी का मुख्य स्रोत मिलता है हमको हाथी गुफा अभिलेख में, जिसमें बताया गया है कि इन दोनों के बीच में युद्ध कितना लंबा चला, किसमें किसकी हार हुई, किसमें किसकी जीत हुई और युद्ध परिवर्तन कैसे हुआ। इस टाइप के अभिलेख कौन से है? हाथी गुफा अभिलेख में पूरा का पूरा ब्यौरा इस युद्ध का दिया गया है कि खारवेल की नीति क्या थी युद्ध से संबंधित, जिससे वो हार गया, अशोक की नीति क्या थी, तो ये सब जानकारी मिलती है हमको हाथी गुफा अभिलेख में। तो हाथी गुफा अभिलेख का नाम आप याद रखिएगा। राजा खारवेल किसके चेंदी वंश के महानतम शासक थे? ये थे कलिंग के। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तक्षशिला। सबसे ओल्ड विश्वविद्यालय जो था, विद्या की जो पीठ थी, विश्वविद्यालय था, कॉलेज था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था तक्षशिला। आप याद रखिएगा तक्षशिला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ करी? ये करी सातवाहन ने। भारत में सबसे पहले जो गोल्ड का जो कॉइन था, स्वर्ण मुद्रा थी, किसने स्टार्ट करी थी? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुषाणों ने। कुषाणों ने क्या करा था? पहला गोल्ड कॉइन स्टार्ट करा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर की। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे कुषाण। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या था? ये थी यहाँ पे गांधार कला। गांधार कला में तक्षशिला जो ये तक्षशिला था, तक्षशिला में गांधार कला काफी फेमस हुई थी। और भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई थी व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए। अब बात करते हैं पार्ट 7 की। थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे बुक बहुत जल्दी कवर करनी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपने है, कहीं से भी पढ़िए, जब टाइम हो तब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। डेडिकेशन हो तो पढ़िए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत पढ़िए। आप अपने टाइम के, अपने कैरियर के खुद ही मालिक हैं, इसमें मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। बट बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो को क्लोज मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। समय काफी कम है आपके पास में, आप भी जानते हो। सरकारी जॉब का कॉम्पिटिशन कितना है वो आप भी जानते हो। एक फॉर्म कितने लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं ये भी आप जानते हो। कट ऑफ कहाँ से कहाँ पहुंच रही है ये भी आप जानते हो। आप यहाँ पर वीडियो को क्लोज करके अपने अन्य किसी काम में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आपका कंपटीटर पढ़ रहा होगा, ये आप याद रखिएगा। अपना एम सेट करिए और लग जाइए, जुट जाइए, मेरे हिसाब से यही सही है, बाकी देखिए आपकी मर्जी। देखिए पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? वो था श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। देखिए गुप्त वंश का कौन जो था वास्तविक संस्थापक था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब बात करते हैं कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? यह था कला एवं स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुप्त युग का परिवर्तन कौन था, परिवर्तक कौन था? यह था चंद्रगुप्त। और मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने बनाया था? मेहरौली, याद रखिएगा, दक्षिण दिल्ली में है ये, और ये मेहरौली में एक जंग रहित लोह स्तंभ है, एक ऐसा लोह स्तंभ है जहां पर किसमें भी कभी भी जंग नहीं लगता है। ये किसने बनवाया था? ये बनाया था गुप्त वंशों ने। और गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, देखिए विक्रमादित्य किसको बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, ठीक है, धारण करी थी। किसने अपनाई थी, किसको संख्या दी गई थी, इस टाइप से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर की। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है विक्रमादित्य से। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे क्या? गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उसको बोलते थे रुपयक। क्या बोलते थे? रुपयक। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ये था समुद्रगुप्त का। और बात करते हैं फिर आगे की, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, उसका नाम क्या? उसका नाम है समुद्रगुप्त। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी तथा इन्हें कविराज कहा जाता है। कविराज किसको बोलते हैं? अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किसने करी थी? भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तीनों ही चीज का संबंध है किससे?
समुद्रगुप्त से आप इसको लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? ये कहते हैं समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 11 कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ? तो रोम साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ? ये हुआ हूणों के द्वारा। और किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? ये थे गुप्तों के सिक्के। गुप्त काल में जो भी सिक्के चले थे, इनके द्वारा बनाए गए जो भी पेंटिंग कॉइन थे, उन सब में कहीं ना कहीं संगीत से संबंधित कोई ना कोई एक सिंबल था, एक आइकन था, एक चिन्ह था उसका। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको संगीत से काफी प्रेम था। अब बात करते हैं कि किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले देखा, आपको बताया, और ये क्वेश्चंस अगेन थोड़ी सी लैंग्वेज इसने चेंज कर दी। देखिए क्वेश्चंस आते बिल्कुल सेम ही है। मैं बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हैं केवल उस पर ही फोकस कर रहे हैं, तो 25 में से आपके, अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, 25 में से आपके 20 क्वेश्चन जीएस के कहीं नहीं गए। अगर 25 में से आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने कर लिया जीएस में, ठीक है, जीएस में। लेकिन देखिए क्या होता है कि आपको एक स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है। वो ये करनी है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछ सकता है, इससे नया क्वेश्चंस क्या बन सकता है। अगर उसने इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा सेम, तो वो किस तरह से पूछ सकता है। तो ये आप अपने अंदर स्किल्स बना के रखिए और इसको थोड़ा सा डेवलप करिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वैसे बन सकता है, पता करिए और प्रैक्टिस करिए, इसके बारे में प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने की इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? यह है समुद्रगुप्त की। और गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? उसका नाम था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है पायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? यह मेघदूत से। किससे? मेघदूत से। आगे बात करते हैं 22 गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी क्या? ये थी आपकी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? देखिए चरक चिकित्सक था, सुश्रुत चिकित्सक था, धनवंतरी चिकित्सक, ये तीनों ही चिकित्सक थे। बात कर रहा नहीं क्या की, ठीक है, आप फोकस करना नहीं वाली बात पे कि नहीं है के बारे में बोला है उसने, तो नहीं का जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्वाक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। सुनने की खोज किसने करी थी? ये आप सबको पता होगा, ये करी थी आर्यभट्ट ने। और वराह मिहिर क्या है? वराह मिहिर जो है वह एक प्राचीन खगोलज्ञ है। कौन है? एक प्राचीन खगोलज्ञ। और बात करते हैं कि अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित है, उसमें क्या अंकित करा गया है? तो अजंता की चित्रकारी में है जातक। और जातक के बारे में आपसे बताऊं कि जातक का संबंध है गौतम बुद्ध से। और अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 104 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। आपसे पूछेगा कि क्या अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में औरंगाबाद से इतनी दूरी पर। दूरी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में दूरी नहीं पूछता, एग्जाम में पूछेगा केवल केवल स्थान का नाम। औरंगाबाद आपको ऑप्शन में देगा या देगा आपको महाराष्ट्र, दो में से कोई एक चीज देगा, दोनों ही आपको पेन डाउन करनी है और याद करनी है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है आपकी बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और यहाँ के सभी चित्र किसी ना किसी रूप में बुद्ध एवं बोधिसत्व की जीवन कथाओं से जुड़े हुए हैं। आगे इस वीडियो को मैं और बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, और पार्ट 8 में कवर करूंगा इसमें, क्योंकि इसके काफी सारे पार्ट पेंडिंग चल रहे हैं काफी टाइम से, और मैं चाहता हूं कि 2017 में आपका सिलेक्शन हो। तो उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करिए, दोनों मेहनत करेंगे, सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 8। और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। शेयर करिए, आप भी बढ़िए आगे, वो भी बढ़ेंगे आगे। और तैयारी के साथ में जेलिस की भावना प्लीज नहीं आनी चाहिए कि यार की उसका सिलेक्शन उससे पहले हो जाएगा तो मैं उसको शेयर क्यों करूं, ऐसी भावना मत लाओ। वो उसकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है, वो अपनी मेहनत करेगा, आप अपनी मेहनत करिए, ठीक है, दिन रात मेहनत वो भी कर रहा होगा, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और आपको भी मिलना चाहिए।
बाकी मन से कभी हारना मत हो सके तो ठीक है, कभी नेगेटिव मत सोचना ज्यादा बच्चों, क्योंकि तो ये जो थोड़ा ये जो फेस होता है आपका कंपटीशन की तैयारी करने का, तो उसमें बच्चे काफी अधिकतर मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। एक एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आते, उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता, तो वो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ फिलहाल पार्ट 8 की, कि दक्षिण भारत के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, दक्षिण भारत के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार का भारत था, किस प्रकार की कला थी वहां पर, कौन कौन आया, कौन कौन शासक गया, किसने किसकी राजधानी बनाई, केवल केवल इसके बारे में। देखिए, महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या बड़े पत्थर से घेरी गई समाधि या फिर कब्र। देखिए, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? देखिए, ठीक है, संगम युग का जो संबंध है वो है तमिलनाडु से। ये आप याद रखिएगा, तमिलनाडु ये जगह काफी फेमस है और काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे संगम युग का आविष्कार हुआ था, मिलन हुआ था। और संगम शब्द संस्कृत भाषा का ये वर्ड है, एक्चुअली आप याद रखिएगा, हम बोलते हैं संगम, शुद्ध हिंदी का हम बोलते हैं कि हाँ हिंदी का अर्थ है संगम, बहुत यूज करते हैं, बट ये शब्द है संस्कृत भाषा का जिसका अर्थ होता है मिलन, मतलब योग करना, ऐड करना, कंबाइन करना किसी चीज को, ठीक है, इसको बोलते हैं मिलन। और संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? उसके केंद्र का नाम था अरिकामेडु। क्या था? अरिकामेडु। आज क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कड्डगी के मंदिर का निर्माण कराया था? ये कराया था सेन गुटुवन। पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? यह है आपके मदुरै में। कहाँ पर है? मदुरै में। क्वेश्चन नंबर 6, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित करा? ये करा था दक्षिण में। कहाँ करा था? दक्षिण में। और इससे ज्यादा फैक्ट आपको पढ़ने हैं तो आप नीचे पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आप याद करिए। बुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? ये रखी थी करिकाल ने। और एलोरा में गुफा एवं शिला उत्कीर्ण मंदिर का किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये करते हैं हिंदू, बौद्ध और जैनों का। एलोरा की गुफाओं में तीनों का ही वर्णन है, तीनों ही धर्मों का, तीनों ही किस किस का संबंध है? हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों का ही इसमें आपको समावेश मिलेगा। चौलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था विजयालय ने। किसने कराया था? विजयालय ने। बात कर रहे हैं चौलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण। अब हम बात करते हैं कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? उसका नाम है राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो उसका राइट आंसर है त्याग समुद्र। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये करा था चालुक्य ने। ये किसने करा था? ये करा था चालुक्य ने। और अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? देखिए, चोल कालीन मंदिर जो सभी समर्पित हैं वो है शिव को लेकर के, भगवान शंकर को लेकर के, महादेव शंकर, हर हर महादेव, वो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित होते हैं। और एलोरा में गुफाएं एवं और शैलकृत मंदिर है किस प्रकार के? देखिए, एलोरा के बारे में अभी हमने पढ़ा इसमें ऊपर, और अभी हमने बात करी यहाँ पे। देखिए, एलोरा में गुफा, एलोरा में गुफा, एलोरा के मंदिर, तीनों का संबंध किससे है? हिंदू, बौद्ध और जैनों से, तीनों से संबंध ये रखते हैं। और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, लैंग्वेज थोड़ी चेंज, यही लैंग्वेज आपको बनाने आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, एक बार पढ़ के उसको खत्म मत करो, उसमें से ये फाइंड आउट करो कि इसकी लैंग्वेज चेंज करके वो हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, महाबलीपुरम के सप्त पंगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ये है पल्लवों के। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ये करा शैव धर्म को। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करी? इसका नाम था राजराज फर्स्ट, राजराज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नोक्त महासंगीति रचयिताओं में से कौन सा राज्य का शासक है? यह है आपका स्वामी तरुणाल, स्वामी तरुणाल। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित करा था? तो ये करा था आपका कांचीपुरम में। कहाँ पे करा था? कांचीपुरम में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन सा राज्य का शासक था? ये था स्वाति तिरुनाल। उपरोक्त महान संगीति के रचयिताओं में से ये जो नाम था इसने
इन्होंने इसके बीच में शासन करा 1829 से लेकर के 1846 तक। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? ये करा कांचीपुरम। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? देखिए आप इस पर फोकस करना, क्या सही नहीं है, क्या गलत जोड़े से अंकित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम में। देखिए एग्जाम में बच्चे सच में ऐसी गलती करते हैं, जब आप एग्जाम देखे आओगे ना बाहर, जब बच्चों से बात करोगे, हाँ भी तुम्हारा एग्जाम कैसे गया, वैसे बात बच्चे बहुत कम करते हैं, लेकिन जब गैप आता है दो एग्जाम के बीच में, 2 घंटे का गैप होता है। अगर आप स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2-2.5 घंटे का गैप मिलता है आराम से, तो वहाँ पे बच्चे डिस्कस करते हैं, तो ये गलती बच्चे मैक्सिमम डिस्कस करते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं, कि गलत जोड़े के रूप में लिखा था, मैं तो सही जोड़े में करके क्लिक करके अपना आ गया या सबमिट करके आ गया। तो इस तरह से आप पहले तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ इस बात का। बढ़ते हैं क्वेश्चन में 21 की ओर। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? यह है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने 600 से 630 के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष शुरू किया था। पुलकेसिन सेकंड किसका महानतम शासक था? यह था आपका वातपी के चालुक्य का। चालुक्य राजा पुलकेसिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ये करा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेसिन सेकंड से संबंधित है? यह ऐहोल। यह आपका ऐहोल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेसिन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ एवं युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध हैं इस मंदिर में। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है, यहाँ पे आपको इन सब चीजों की तस्वीर मिलेगी, इनकी मूर्ति मिलेगी। बात करते हैं आगे की, निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी और दक्षिण पूर्व एशिया इन दोनों पर विजय प्राप्त करी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चोल। आप याद रखिएगा उसका नाम क्या था, उसका नाम था चोल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? लंका का दूसरा नाम भी है सिंघल, ठीक है, सिंघल भी बोल सकता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किस चोल राजा ने सिंघल को पहले जीता था। अब जिसको पता है कि लंका का नाम सिंघल भी था तो वो राइट आंसर आके आएगा, जिसको पता ही नहीं कि सिंघल क्या था तो वो कन्फ्यूज हो सकता है। तो आप याद रखिएगा लंका सिंघल का सिनोनिमस है, सेम नाम है, और इसको जीता था राज राज प्रथम ने। किसने? राज राज प्रथम ने। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? उसका नाम था राज राज। अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये था राजेंद्र चोल। क्वेश्चन नंबर 31 उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? इसका नाम है चोल। 32 किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा जोलपुरम का निर्माण किया? ये करा राजेंद्र फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रसिद्ध कवि विल्हण किसकी राजदरबारी कवि था? ये था विक्रमादित्य का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर की भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है? महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 35 मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? यह है रामेश्वरम में। और निम्नलिखित में से किसने तंजोर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इसका नाम है राज राज चोल। काशी में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह कराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट सेकंड ने, ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड ने क्या कराया था? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, जो कहाँ पर है? जो है काशी में। क्वेश्चन नंबर 38 कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? ये था दंती दुर्ग। और क्वेश्चन नंबर 39 कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? ये कराया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो नोट्स बनाइए, उस पर लिखिए राष्ट्रकूट। आगे बात करते हैं कि एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में हुआ था? देखिए 40 और 39 दोनों की लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए, सामने आपके है, तो एग्जाम में किस तरह से उसने लैंग्वेज चेंज कर दी
2002 में क्वेश्चंस एमटीएस में ये पूछा गया था, और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लैंग्वेज को बड़ा कर दिया उसने और साफ साफ आपको बता रहा है कि किसके संरक्षण में हुआ, बस ये वर्ड यूज कर दिया उसे, संरक्षण में किया गया। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, तो इसलिए एलोरा की बात कभी भी करी जाए उसमें नाम दिया जाए राष्ट्रकूट, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रकूट। और ये एमटीएस में इतनी बार क्वेश्चंस पूछा गया है, सीजल में पूछा गया है, तो आप इसको याद करिए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करा था, ठीक है, किसने करा था, राजा का नाम पूछे तो राजा का नाम था कृष्ण प्रथम ने करा था एलोरा। क्वेश्चन नंबर 41 कि कैलाश के प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ये है एलोरा में, कहां पर है ये है आपके एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 42 कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, और चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, ये था पुलकेशिन सेकंड। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, और किन शासकों के राज्यकाल में एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई, ये हुई राष्ट्रकूट के। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामक पहाड़ी पर हिंदू गुहा मंदिर स्थित है। तो अपने नोट्स में आप पूरी लाइन ये लिखिए जिसको मैंने रेड से कर रखा है हाईलाइट, ठीक है, ये पूरा लिखिए, इसमें हर चीज कवर हो रही है कि महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित है एलोरा नामक पहाड़ी, यहाँ पर है हिंदू गुहा मंदिर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर की कौन सा शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट, अगेन साफ साफ क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और थोड़ा सा चेंज है लैंग्वेज बस केवल। और प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, इनकी कैपिटल थी उदयपुर में, उदयपुर नहीं उदयपुर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था, ये था तंजोर, ये था तंजोर। अगले वीडियो में देखिए मैं बात करूंगा आपसे गुप्तोत्तर काल में, तो ये इसका अगला पार्ट होगा, और ये पार्ट होगा अभी नहीं कुछ समय बाद में इसको करूंगा अपलोड, इसको बनाऊंगा और आप तक इसको लेकर के आऊंगा। फिलहाल देखिए इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर आपके पास ये बुक है तो इस बुक को आप उठा लीजिए, इससे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बुक काफी इम्पोर्टेंट है। इस बुक को आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, नियर में कोई अगर आपके मार्केट है तो वहां से आप परचेज कर लीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आपको लिंक दूंगा अमेजन का, उस पर क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप बुक परचेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इस बुक के आपको, वो सभी वीडियो आप 2 से 3 बार वॉच करिए, एक वीडियो को कम से कम 2 बार वॉच करना और अपने नोट्स बनाना, तो आपको वो सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे। पढ़ाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहां से आपका मन करे वहां से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट टारगेट ये है कि 2017 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए कि सर आई एम सिलेक्टेड इन दिस पोस्ट, जो भी आपकी पोस्ट में सिलेक्शन हो वो, ठीक है। इसी के साथ चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। डू सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।